की बात करूँ ना तो हरिद्वार सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है उत्तराखंड की, और फर्स्ट है श्रीनगर। श्रीनगर जम्मू कश्मीर राजधानी, उत्तराखंड में भी श्रीनगर है, वो फर्स्ट लार्जेस्ट सिटी है उत्तराखंड की। तो भाई अभी हम जा रहे हैं रामझूला से, निकल गए थे फिर रखंड उड़ा गए थे। गुड मॉर्निंग गाइस। तो भाई तुम्हारा दोस्त उठ गया है, और रात में नींद तो ठीक ही ठाक आ गई, अच्छी खासी आ गई, क्योंकि गर्मी थी थोड़ी सी, क्योंकि टेंट में हमारे हवा नहीं चल रही थी, इतनी गर्मी थी, मगर नींद ठीक ठाक आ गई। और मैट्रेस बिछाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, और मेरे पास थी भी नहीं। और ये घास जो है ना, ये काफ़ी सही है, मतलब फोम में सा मजा दे रही है। तो अभी का प्लान ये है कि यहाँ से जल्दी से पहले मैं ब्रेकफास्ट करूँगा, और अभी मैं फ़िलहाल हरिद्वार में हूँ, ऐसा कि आप जानते ही हो। उसके बाद मैं निकलूँगा ऋषिकेश के लिए, और ऋषिकेश यहाँ से है 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर अगर लिफ्ट मिल जाती है ना, तो एक घंटे में ईजिली पहुँच जाऊँगा मैं। होप जल्दी से लिफ्ट मिल जाए और मैं ऋषिकेश पहुँच जाऊँ। और अपने इधर भाई गंगा जी बह रही हैं, और हरिद्वार में आओगे तो हर जगह गंगा जी मिलेंगी मिलेंगी आपको। तो भाई मैं अभी ना शंकर जी की मूर्ति के पास आ गया था, और ये है अपने भाई भोले बाबा की मूर्ति, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है हरिद्वार में। और इसकी बात करूँ तो 2011 में बनी थी, और इसकी जो ऊंचाई है, लंबाई है, मतलब कि वो 108 फीट की ये मूर्ति बनाई गई है, तो काफ़ी अच्छी है। काफ़ी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और विजिट करते हैं। इसके सामने एक पार्क भी बनाया गया, और पार्क में सब लोग भाई ऐसे मस्ती करते रहते हैं, खाना वाना खाते हैं। और इसकी बात करूँ ना तो हरिद्वार सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है उत्तराखंड की, और फर्स्ट है श्रीनगर। श्रीनगर जम्मू कश्मीर राजधानी, उत्तराखंड में श्रीनगर है, वो फर्स्ट लार्जेस्ट सिटी है उत्तराखंड की। तो भाई अभी आ गया हूँ मैं गोवा बीच पे, और एक गोवा बीच ना बहुत फेमस है यहाँ पे ऋषिकेश में। गोवा बीच बहुत ज़्यादा फेमस है, और अभी ना इतनी भीड़ आ रखी है, इतनी भीड़ आ रखी है ना, सारे में भीड़ ही भीड़ है भाई। मैंने सोचा था यहाँ पे कैंपिंग करूँगा और इन्जॉय करूँगा, बट यहाँ पे इतनी भीड़ है, कुछ करने का मन ही नहीं है भाई। अभी तो ये दिख रहा है कि एक हॉस्टल ले लूँ, अच्छा था। वैसे सी एस पे मेरी एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है, बट उसमें क्या है कि मेरे दोस्त भी मेरे साथ है, तो उसको अगर लेकर नहीं जाऊँगा फिर भी दिक्कत है ना, प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ अभी उससे बात करता हूँ, तो इसलिए मैं अभी सोच रहा हूँ उससे बात करूँगा पहले, वो क्या कहता है। अगर वो कैंप करने के लिए भी जगह देगा ना मेरे दोस्त को, तो मैं उसको वहाँ पे एडजस्ट कर दूँगा, और वहाँ डॉम में खुद रुक जाऊँगा, या फिर दोनों लोग कैंप कर लेंगे, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। फिलहाल में गोवा बीच में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है भाई, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। नहाने का मन कर रहा है, सारे लोग नहा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं भाई। आपको मस्ती दिखाऊँ क्या, इन लोगों की कैड़ी मस्ती कर रखी है भाई इन्होंने। और फिलहाल अभी प्लान है मेरा, पहले तो कुछ खाऊंगा, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, और उधर ना वो है रामझूला, तो अभी कुछ खाता हूँ पहले, उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो तब तक के लिए मिलते हैं। तो भाई अभी हम जा रहे हैं रामझूला से, निकल गए थे फिर रखंड उड़ा गए थे। वहाँ पे देखा कुछ कैंपिंग का प्लेस नहीं मिला, तो एक भाई और मिल गया कानपुर का, अपने यूपी वाले भाई मिल गए हैं। तो अभी सोच रहे हैं, उन्होंने बताया कि एक पटना वाटरफॉल है यहीं पर 5-6 किलोमीटर दूर, तो अभी वहीं पर जा रहे हैं। ये नीलकंठ वाली रास्ता है, ये इधर से जाएंगे रामझूला के, इधर जाएंगे नीलकंठ वाली रास्ता पे, तो अभी वहीं पे जा रहे हैं। यहाँ से 2.9 किलोमीटर है अभी पटना वाटरफॉल, वही वहीं पे चलते हैं। तो भाई अभी ना पटना वाटरफॉल तक जा रहे हैं, तो दो रास्ते पड़ेंगे, एक तो ये वाला चला गया सीधे लक्ष्मी झूला की तरफ, और ये वाला जाएगा ना, सीधे जाना है आपको, वो सीधा पटना वाटरफॉल पर जाएगा, क्योंकि यहाँ से बता रहे हैं 5 किलोमीटर है, बट है नहीं शायद, कन्फर्म नहीं है अभी भी। 2.9 किलोमीटर दिखा रहा था मैप में थोड़ी देर पहले, अब तो 2.5 किलोमीटर रह गया होगा, तो अभी आधे घंटे में पहुंच जाएंगे इजली। और ट्रैफिक तो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि आगे वो नीलकंठ का मंदिर है ना, वो उस चक्कर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, कारें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। और इधर अपना भाई राफ्टिंग हो रही है, बड़े अच्छी मार रहे हैं लोग। तो भाई अभी गर्मी ना बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब ये 5-10 मिनट का हमने रेस्ट ले लिया था, फिर चालू हो रही है, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, सारे थक चुके हैं। और अभी यहाँ से रह गया है 1.8 किलोमीटर, और अभी तो लग रहा है उस वाटरफॉल जल्दी से पहुँच जाए, उसके बाद नहा लें। अभी लिफ्ट भी मांग सकते थे, बट यार दो लोग और जुड़ गए हैं, टोटल 3 लोग हो गए हैं हम लोग, तो अभी लिफ्ट मांगना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी, और
तो लिफ्ट मांगेंगे, फिर एक आगे चले जाएगा एक पीछे ले जाएगा, इसलिए ठीक नहीं है लिफ्ट मांगना। और अभी क्या है कि फॉरेनर्स भी बहुत हैं यहाँ पे, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ऋषिकेश आना चाहते हो तो अभी ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है और अभी रिवर राफ्टिंग का भी प्राइस बहुत है, 2,000-3,000 पर हेड रिवर राफ्टिंग। और काफ़ी लोग भाई जा रहे हैं ऊपर साइड मज़े करने, मौज करने। अगर रिवर राफ्टिंग चल रही है, रिवर राफ्टिंग वो चल रही है, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा आपको। तो बाकी अभी यार मैं ट्रैकिंग करता हूँ, थोड़ी देर में आपको आगे मिलता हूँ। भाई पटना वाटरफॉल की ने ट्रैकिंग स्टार्ट कर रही है, अगर थोड़ा थोड़ा पानी दिख रहा हो ना तो देख लो, वो है पानी, ऊपर से पानी आ रहा है, ये नहीं पता कितने किलोमीटर है, बट अभी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है यार। व्यू तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लोग ट्रैक भी कर रहे हैं भाई, ठीक ठाक है, बट अभी जल्दी से मेरे को वहाँ पहुँचना है और फिर ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है, बट ट्रैकिंग तो सॉरी फिर जल्दी से वहाँ पहुँचना है मेरे को और नहाना है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ। तो मैं 12-13 किलोमीटर चल चुका हूँ रामझूला से, लोग बोल रहे 4-5 किलोमीटर, बट ऐसा नहीं है यार, बहुत दूर है। तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कभी भी आए तो बाइक वाइक से आएँ, पैदल ना आएँ। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ऊपर जाके दे दूँगा मैं। भाई फाइनली ना वाटरफॉल पे आ गए हैं हम, और मैं थोड़ा नहा भी लिया उसके बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ, भाई बहुत थक गया था। और वाटरफॉल दिखाऊँ तो आपको, ओ दिख रहा है ना वाटरफॉल, हो रहा वाटरफॉल भाई, अच्छा है, काफ़ी अच्छा वाटरफॉल है। नीर वाटरफॉल को अगर कंपेयर कराएगा तो मैं इसको यार सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे आओ और यहाँ पे घूमो, काफ़ी अच्छा है। बाकी अभी यार जल्दी से मैगी वैगी खाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे ऊपर एक विलेज है वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ पे इंटरनेशनल योगा हब है तो वहाँ पे जाऊँगा। तो अभी जल्दी से कपड़े चेंज करता हूँ, तो जल्दी से अभी कपड़े चेंज करता हूँ और फिर निकलता हूँ ऊपर। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अनदर ब्लॉग में।